हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विच हैज़र ऑइंटमेंट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, साथ ही साथ आप इसे किन किन परेशानियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विच हैज़र जो ऑइंटमेंट है दोस्तों, काफी बेहतरीन एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करने वाली है। अगर आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे ब्लैकहेड्स की समस्या हो रही है या फिर आपकी स्किन पर छोटे छोटे टाइनी बर्म्स हो रहे हैं, आप जब भी अपनी स्किन को देखेंगे छोटे छोटे व्हाइट सेल्स, ब्लैकहेड्स, साथ ही साथ अगर आपको स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है, न्यू बॉर्न बेबीज में भी आप बहुत बार देखेंगे कि उन्हें स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फ्लेमेशन स्पेशली छोटे बच्चों को होता है, उन्हें रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। डायपर वगैरह नॉर्मली पहनाने से बच्चों को रैसेस की प्रॉब्लम होती है। उन सभी कंडीशन में ये जो क्रीम है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा दिनों से स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी जो स्किन है वो जल गई है, माइनर स्कर्स आ गए हैं उस पर, स्किन में छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, उन सभी कंडीशन में आपके लिए क्रीम काफी बेहतरीन और यूजफुल होने वाली है। विच हैज़र दोस्तों हेमा मेलिस का ही कॉम्पोजिशन है। इसमें जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है इसमें हेमा मेलिस और साथ ही साथ है इसमें कैलेंडुला। हेमा मेलिस आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि अगर स्किन में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा दिनों से बनी हुई है, उस कंडीशन में हेमा मेलिस आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर स्किन पर कट्स आ गए हैं और ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उस जगह पर अगर आप इस क्रीम को, ऑइंटमेंट को लगाएंगे तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से होगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा दिनों से प्रॉब्लम है स्किन इन्फेक्शन की या फंगल इन्फेक्शन की, स्किन पर बिना वजह आप देखेंगे कि रैसेस होते हैं, बिना वजह खुजली होती है, अगर कट्स आ जा रहे हैं, माइनर कट्स हो रहे हैं, स्किन कहीं छिलने कटने के निशान हो जा रहे हैं, जलने की स्पेशली अगर प्रॉब्लम हो जा रही है, उन सभी कंडीशन में ये विच हैज़र ऑइंटमेंट बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेफ होने वाली है। आप बिना किसी टेंशन की इस क्रीम को उस जगह पर लगाइएगा, आप देखेंगे कि जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो काफी तेजी के साथ हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन ये कॉम्पोजिशन। इसमें जो फर्स्ट कॉम्पोजिशन है वो है हेमा मेलिस, जो कि स्किन अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में हेमा मेलिस काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है इसमें कैलेंडुला। कैलेंडुला एज एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि कैलेंडुला कितना अच्छा एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करता है, हीलिंग एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये बहुत ही बेहतरीन होता है कैलेंडुला जो कि इसमें डला हुआ है। अगर आप अपनी स्किन पर पैंडम वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्किन पर रेटिनोवेट वगैरह या फिर स्किन लाइट, स्किन साइन इस तरीके की क्रीम लगा लेती हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत इसमें रेडनेस आ जाता है, उसमें बहुत ही इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उन सभी रिएक्शन को काटने के लिए विच हैज़र क्रीम बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। अगर आपको ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस क्रीम को आप नॉर्मली एक बार सुबह इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार रात में, अगर आप अपनी स्किन पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कहीं कट्स आ गए हैं, कहीं बर्न के निशान हो गए हैं या कहीं जल गए आपके हाथ वगैरह, उस जगह पे भी आप इसे लगा सकते हैं। 100% सेफ होने वाला है। ये मेडिसिन की तरफ से है। विच हैज़र की क्रीम आपको होम्योपैथिक में और भी ब्रांड्स की मिल जाएंगी, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि मेडिसिन के ही ज़्यादा बनते हैं विच हैज़र, और काफ़ी इफेक्टिव भी ऑलरेडी होते हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप मेडिसिन के ही लेंगे। और इसकी जो MRP है वो है 95 रुपीज़। इसकी MRP अप डाउन होती रहती है। अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।